अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को अपने अपने घरों में खुश रखे, अपनी अपनी फैमिली के साथ आबाद रखे। आमीन सुब्मा आमीन। और आज संडे है, तो जो व्लॉग मैं आज आपको देने जा रही हूँ ये मेरा संडे का व्लॉग है। और आज मैं संडे में सुबह ही बनाने जा रही हूँ नॉनवेज स्टू बनाऊंगी आज मैं, क्योंकि अभी हमें दोपहर में जाना है मार्केट, इसलिए शाम को नहीं बना पाऊंगी। तो इन्होंने कहा कि सुबह ही बना लो, तो अभी मैं स्टू बना रही हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं स्टू किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है, 2 चम्मच ऑयल डाला है। इसके बाद मैंने खड़ा गर्म मसाला ऐड कर दिया और उसके बाद मैंने इसमें मटन पीसेस डाल दिए। तो ये मेरा 3 पाव मटन है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने 5-6 प्याज काट के रख रखी हैं, 1 बड़ी गांठ लहसुन की है और अदरक भी कद्दूकस कर रखा है। और इधर मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और उसके बाद मैंने ये खड़ी लाल मिर्च डाल दी है और खड़ा धनिया है 2 टीस्पून और ये 6-7 खड़ी लाल मिर्च है, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। क्योंकि स्टू हम बनाते हैं तो इसमें पिसी लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालते, सब कुछ खड़ा ही डालते हैं। तो इसके बाद मैंने इसमें ये नमक ऐड कर दिया है ऊपर से। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी काट के रख ली थी, 1 हरी मिर्च के मैंने 2 पीस कर लिए थे। तो अब मैं पहले इसमें प्याज डाल रही हूँ और प्याज को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करूँगी और उसके बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और इतनी भुनाई करूँगी कि ये भुनाई में ही हमारा मटन गल जाएगा। और मैं ज़्यादातर मटन भगोनी में ही बनाती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कटोरी में दही रख रखा है, ये 1/2 कटोरी दही है। जब हमारा मटन गल जाएगा, थोड़ी सी कसर रहेगी उसमें, तब मैं इसमें ये दही इसमें ऐड कर दूँगी। और बस अभी गैस की आंच धीमी है, धीमी धीमी आंच पर ही हमारा मटन गल रहा था और भुनाई भी इसकी तकरीबन हो चुकी है। और उसके बाद फिर मैं इसमें अब दही ऐड करूँगी। तो आज ये सुबह ही ले आए थे मटन, और वैसे ये अक्सर सुबह ही लेकर आते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सुबह मटन अच्छा मिलता है, और फिर अगर दोपहर को लेने जाओ तो दोपहर को उतना अच्छा नहीं मिलता। तो अब मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है और बस बच्चों ने नहा लिया है, बच्चे नहा कर तैयार हो चुके हैं और अब हम लोग खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद फिर मैं तैयार होंगी मार्केट जाने के लिए। तो ये है आज का हमारा खाना, स्टू और रोटी। सलाद नहीं था, मतलब घर में सलाद का सामान नहीं था कुछ भी, तो मैंने सलाद नहीं बनाया। ना तो ककड़ी थी, प्याज तो थी लेकिन ककड़ी की भी याद आ रही थी। तो बस अब हम लोग आ चुके हैं मार्केट में, मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों ही आए हैं। आज संडे था तो संडे को इनका छुट्टी का दिन रहता है मेरी तरह, तो हम दोनों सोचा चलो साथ में ही चलते हैं, ये भी आ गए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम इधर आए हैं पर्दे की शॉप पर, क्योंकि मुझे लेना है पर्दा। तो यहाँ पर मैं पर्दे देख रही हूँ, सभी डिज़ाइंस के पर्दे हैं यहाँ पर, तो भैया दिखा रहे हैं। और पर्दे के साथ साथ यहाँ पर लेस भी हैं पर्दे में लगाने की। तो ये वाली जो शॉप है, इस पर भैया रेडीमेड पर्दा भी देते हैं और साथ में तैयार भी करते हैं पर्दा लेस लगाकर। मतलब पर्दा आपको किस तरीका का बनवाना है वो पर्दा आप देख लो और उसके बाद उसमें लेस वगैरह भी चूज़ कर लो कि कौन सी लेस उसमें लगवानी है। तो सभी तरह की लेस है इसके अंदर। तो मेरे जो आगे वाले रूम में है, हॉल में जो पर्दे लगे हुए हैं, वो पर्दे यहीं के हैं, इसी शॉप के। तो फिर मैं वहाँ से निकलकर इधर दूसरी शॉप पर आ गए हम लोग, इस साइड आ गए दूसरी शॉप पर। और यहाँ पर भी पर्दे हैं, तो यहाँ पर भी हमने पर्दे देखे। और पर्दे के बाद फिर ये पिलो कवर देख रही हूँ मैं, तो यहाँ पर भी पर्दे देखे। तो जो फर्स्ट शॉप थी वहाँ की पर्दे की रेट मुझे कुछ अच्छी लगी, और यहाँ तो और भी महंगे बता रहे हैं पर्दे। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि फर्स्ट वाली शॉप है वहीं से ले लेंगे। तो ये अभी मैं पिलो कवर देखिए कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के हैं, और साथ में ये है टॉप शीट।
तो ये टॉप शीट भी भैया दिखा रहे हैं, टॉप शीट भी मैंने सोचा ले लेते हैं कि अब गर्मियाँ आ रही है तो टॉप शीट की भी ज़रूरत पड़ती ही है घर में। घर में तो जितनी भी चीज़ें लो सब कम पड़ जाती हैं, क्योंकि यूज़ करते हैं तो जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है वो जल्दी से, फिर यूज़ करने वाली चीज़ जल्दी से ख़त्म भी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, फटती भी हैं जल्दी से, यूज़ करो तो फटाफट फट जाती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर ये टॉप शीट देख रही हूँ और मैंने यहाँ से क्या क्या परचेज़ किया तो वो मैं आप लोगों के साथ घर जाकर शेयर करूँगी। और बस अब हमें कुछ चुटपुट सामान भी लेना है, क्योंकि अभी मैं जयपुर थी 3 दिन से, तो जयपुर से आने के बाद ही फिर हम लोग यहाँ पर शॉपिंग करने आए हैं, क्योंकि बीच में बिल्कुल भी आना जाना नहीं हो पाया और बहुत दिनों से कुछ सामान भी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि चलें आज लेके आते हैं, तो इन्होंने कहा संडे को मार्केट बंद रहता है। मैंने कहा कुछ शॉप तो खुली होंगी, तो ये वाली शॉप वही है जिस पर से मैं अक्सर सारा सामान खरीदती हूँ, ग्रोसरी सामान। तो इसी शॉप पर मैं वापस आ गई यहाँ पर, और ये शॉप खुल रही थी, संडे को खुलती है। भैया कह रहे हैं कि नाइट को हम जल्दी बंद कर देते हैं, शाम के टाइम जल्दी कर देते हैं बंद, अच्छा है आप आ गए इस टाइम। तो बस अब मैं यहाँ से कुछ सामान ले रही हूँ, और अली और इदा दोनों घर पर हैं। वैसे अली आता है हम लोगों के साथ, और आप लोग कमेंट्स करके कहते हैं, चूकते नहीं हैं कि आप रिदा को नहीं लाती, अली को लेकर आती। लेकिन अली ने इस बार खुद ही मना कर दिया कि मम्मी आज संडे है, हम लोग घर पर ही एंजॉय करेंगे। दोनों अपनी मनपसंद की जंगल बुक वाली फिल्म देख रहे थे, तो दोनों वहीं पर हैं घर पर। हमने सोचा चलो हम तो चलते हैं फिर और सामान लेकर आते हैं। तो अब बस घर जाकर मैं सारा सामान आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और शाम का खाना आज मुझे नहीं बनाना, मतलब बनाना तो है, चावल बना लूँगी। सुबह का सालन रखा है तो मैंने सोचा कि उसमें उड़द की दाल डाल दूँगी, तो उड़द गोश्त बन जाएगा उधर, और इधर चावल बना लूँगी। क्योंकि मैं अक्सर बाहर जाती हूँ कहीं भी शॉपिंग करने के लिए या किसी भी काम से, तो फिर लेट हो जाते हैं हम लोग। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ हल्का फुल्का सा, जो फटाफट से बन जाता है। बस अब इधर से सारा सामान हमने ले लिया है, और लिस्ट बनाने की आदत है ही सही मेरी, लिस्ट बना के लाती हूँ, क्योंकि कई बार भूल जाते हैं हम सामान की क्या सामान लेना है, और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता ही है। और इनको भी अगर लिस्ट बना के दे दूँ तब ये भी ऐसी ही गड़बड़ करते हैं, ये भी भूल जाते हैं कुछ ना कुछ सामान और नहीं लेकर आते। मैं लाई हूँ बच्चों के लिए तो ये बिस्किट्स, तो बच्चों के लिए लेकर आई हूँ मैं ये 4 तरीके के बिस्किट, ये वाले। ये लाई हूँ मैं मखाने का पैकेट, राजभोग, और ये है अखरोट का पैकेट, ये है 2 तरह के पापड़, एक तो चने के पापड़ है और एक मूंग की दाल के पापड़, ये खड़ी मसूर की दाल, ये लाई हूँ काजू टुकड़ी, इस बार मैं काजू टुकड़ी ले आई, वैसे साबुत काजू भी लाती हूँ, ये है स्वीट कॉर्न, इसकी चाट बहुत अच्छी लगती है, ये सूप लेकर आई हूँ कुछ मैं, जिसमें ये है मिक्स वेज का सूप, ये है टोमेटो वाला, और ये होट एंड सोर, ये ऑयल लाई हूँ सफोला गोल्ड, और इसके साथ ये 1 लीटर का पाउच फ्री। तो ये 2 डिजाइन के हैं पिलो कवर, एक तो इस डिजाइन में है और एक इस डिजाइन में है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं 3 तरह की टॉप शीट लेकर आई हूँ, डिजाइन तो इनके सेम ही है बस कलर डिफरेंट है। देखिए इसमें ये है डिजाइन, और नीचे की साइड ये है, ये नीचे की साइड, एक कलर तो ये है और एक कलर ये है, ये वाला, और एक कलर इसमें ये वाला है, ये कलर। तो ये टॉप शीट मैं लेकर आई हूँ, एक टॉप शीट है 200 रुपए की, आप लोग बताना महंगी तो नहीं है, मुझे इनका डिजाइन बहुत अच्छा लग रहा था। पर्दे की शॉप पर भी मैं गई थी तो मैं ये 2 पर्दे लेकर आई हूँ, ये विंडो के लिए, अंदर वाला हमारा रूम है उस पर विंडो पर लगाने के लिए लेकर आई हूँ,
और आप लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि इस विंडो पर आप पर्दा डाल लेना, इससे अच्छा लगेगा, अच्छा लुक आएगा। तो ये पर्दे की रेट है 600 रुपये, दो पर्दे 600 रुपये के हैं ये देखिए। और ये इसमें ये लेस लगवा ली थी तो ये सिलवाया है बकायदा मैंने, रेडीमेड नहीं है ये पर्दा। तो अब आप लोग बताना कि मेरी पूरी खरीदारी आप लोगों को कैसी लगी, पूरे सामान कैसे लगे, और मैं जो पर्दे और बेडशीट और पिलो कवर जो लेकर आई हूँ वो ज़्यादा महंगे तो नहीं है, आप लोग बताना। तो आज मैंने आप लोगों के साथ अपनी मार्केट की थोड़ी सी शॉपिंग शेयर की, और जयपुर से भी मैं शॉपिंग करके लाई हूँ, लेकिन आज शेयर नहीं की मैंने आप लोगों के साथ, जल्दी शेयर करूँगी मेरी जयपुर की शॉपिंग। अभी तक मेरे आप लोगों को जयपुर के ब्लॉग मिल रहे थे, तो पिछले एक दो ब्लॉग्स में मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, और कमेंट्स ये हैं कि बाजी आप सच बताइए कि आशिफा और बुलबुल दोनों अलग हो गई हैं क्या, ये कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा आज इस कमेंट पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ कि आशिफा और बुलबुल क्या वाकई अलग हो गई हैं क्या। तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि जैसे ही शादी होती है लड़के की, बहू आती है दुल्हन बनकर, तो बहू बेटे दोनों अलग हो जाते हैं और बेचारे माँ बाप अकेले रह जाते हैं। अब सोचिए उन माँ बाप पर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने बेटे को इतना पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और फिर वो दूसरी आती है बहू और है ना बेटे को अलग कर ले जाती है, उनके माँ बाप से जुदा कर देती है। ऐसे मैंने कई केस देखे हैं और हमारे भी हैं कई मिलने वाले, तो उनमें भी मैंने ऐसा देखा है कि बेटे बहू अलग रहते हैं और माँ बाप अलग रहते हैं इस तरह की। और इसी तरीके से देवरानी जेठानी वाला मामला है, वो भी मैंने देखा है बहुत तेज, देवरानी जेठानी में जरा सी कुछ झड़प हुई तो उसके बाद दोनों अलग हो जाती हैं। तो इन बातों से भी माँ बाप को कितना दुख पहुँचता होगा, आप लोग समझ सकते हो इस बात को कि कितने दुखी होते होंगे माँ बाप, क्योंकि माँ बाप तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल हमारी आंखों के सामने रहें और हमसे दूर ना जाएं। अब बात आती है आसिफा और बुलबुल की, बस मैं उस तरफ ही जा रही हूँ। मेरी मम्मी जब जिंदा थी, जब भी उन्होंने हम सब बहन भाइयों को आपस में जोड़कर रखा, मतलब कभी भी किसी में किसी तरह की कोई दरार न पड़े, इस बात को हमेशा मम्मी समझाती रहती थी और बैठकर सामने डिस्कस करती रहती थी। कोई भी अगर बात थोड़ी सी भी हो जाती थी किसी भी तरीके की, तो जब मम्मी थी तो उनके सामने भी मम्मी ने कभी भी आसिफा और बुलबुल दोनों को अलग नहीं होने दिया, ऐसी कोई बात नहीं थी उनके बीच में किसी भी तरह की। उन्होंने, मेरी मम्मी ने दोनों को बराबर समझा, मतलब दोनों में देवरानी जेठानी है दोनों, लेकिन दोनों बहुओं में मम्मी ने कभी भी कोई फर्क नहीं किया किसी भी तरीके का। और जब आज मेरी मम्मी नहीं है तो उसके बाद दोनों अच्छी तरह से रह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रह रही, या वो अलग खाना बनाती है या वो अलग बनाती है। बस ये बात जरूरी है कि जब मम्मी थी तब मुझसे फोन पर जरूर ये कहती थी कि बेटा खाना दोनों मिलकर बनाती है, मतलब एक सुबह का खाना बना लेती है तो एक शाम का खाना बनाती है, मम्मी ये बात जरूर कहती थी। क्योंकि और काम के लिए तो उनके यहाँ काम वाली आपा लगी हुई है, आप लोगों को भी पता है, लेकिन खाने में ऐसा होता था। तो आसिफा और बुलबुल अलग नहीं हुए हैं, साथ साथ रह रहे हैं, दोनों में किसी भी तरह की कोई खटपट नहीं है जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को क्या है गलत फहमी हो जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अल्लाह ताला से तो मेरी यही दुआ है कि दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रहें और हम सभी भाई बहन आपस में मिलजुल कर रहें, किसी भी तरह की हम लोगों के बीच कोई ना इत्तेफाकियां ना। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा? तो ठीक है, आज के इस ब्लॉग का बस मैं यही एंड कर रही हूँ, अभी बस मुझे खाना भी बनाना है। लेकिन एंड करने से पहले मैं बर्थडे विश कर देती हूँ। तो हमारी एक व्यूअर है आशिया जी, इनके बेटे का बर्थडे था 3 फरवरी को। तो आशिया जी मैं सॉरी बोलना चाहूँगी आपको कि मैं आपके बेटे को बर्थडे विश नहीं कर पाई, तो आज मैं बोल देती हूँ आपके बेटे की खुशी के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, और बहुत ज़्यादा तरक्की करो, अपने माँ बाप का नाम इसी तरह से रोशन करते रहो और बहुत आगे बढ़ो। तो आज 3 मार्च है, आज बर्थडे आशिया जी का भी है और नदीम जी का है, तो इन दोनों को मेरी तरफ से योम पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला इन दोनों को ढेर सारी खुशियाँ दे, कामयाबी इनके कदम चूमे, इनकी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी गम ना आए, और ये दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करें। इसी के साथ आज के इस व्लॉग का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आप लोग अपनी और अपनी फैमिली का पूरा पूरा ख्याल रखिए, और हम सभी को दुआओं में याद रखिए। आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक
तक के लिए अल्लाह हाफिज़।